उसके टेक्निकल चैनल में। सो फिलहाल जो जो लोग यूट्यूबिंग करते हैं तो उनको मतलब बहुत सारे एसेसरीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिलहाल सबके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं रहता या फिर इतना बजट नहीं रहता वो सब कुछ सेट कर सके, DSLR या फिर ट्राइपॉड या फिर एक बहुत लाइक हाई क्वालिटी हाई एंड का माइक, इतना उनके पास बजट नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो लोग मैनेज करते हैं, अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने फोन से ही सब कुछ सेटअप चालू करते हैं। लेकिन फिर भी आपका वीडियो जितना भी लाइक इतना मीडियम क्वालिटी भी हो तो चलेगा, लेकिन फिर भी आपका ऑडियो ना हाई क्वालिटी हमेशा रहना चाहिए ताकि आप जो बोल पा रहे हो वो आपके व्यूअर्स तक अच्छे से पहुंचे और आपके चैनल जो जो देखते हैं आपका वीडियो जो जो देखते हैं उनको अच्छे से आपकी जानकारी मिल जाए। तो फिलहाल आज मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियो के लिए और बहुत ही नेसेसरी है एक यूट्यूबर के लिए जो कि हमें 1000 रुपीज के अंदर मिल जाता है, आज उसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोया M1 माइक का, जो कि एक ओमनीडायरेक्शनल माइक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी यूट्यूबर्स अपने मतलब वॉइस दे रहे हैं या फिर कुछ बता रहे हैं क्लियर वॉइस देने के लिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने व्यूअर्स को। ये सिर्फ मैं ही नहीं या फिर छोटे छोटे यूट्यूबर्स नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसी माइक का इस्तेमाल करते हैं और ये ज्यादा कुछ नहीं होता, ये बस 1000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। ये बहुत ही बजट ईयरफोन है और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो कैसे भी, और वाइड विथ 3.5 mm जैक आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि मैं एयरपोड्स यूज कर रहा हूँ माइक के लिए, मैं पहले ईयरफोन यूज करता था अब और कभी कभी मैं डायरेक्ट फोन का माइक्रोफोन यूज करता था, लेकिन फिलहाल अब अगली बार से हम इसको स्विच करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या है इसके फीचर्स और इसको अपने माइक के साथ अपने एयरपोड्स के माइक के साथ कंपेयर भी करके देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स है हमारे पास, तो इसको अगर पीछे मोड़ते तो आपको सारे फीचर्स दिखा जाता है कि क्लिप ऑन माइक, ओमनीडायरेक्शनल, हाई क्वालिटी कंडेंसर माइक और लो हैंडलिंग नॉइज, नॉइज कैंसिलेशन भी होता है। और नीचे देखते हो तो आपको सारे के सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे से दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप कहीं भी नोटिस करो तो इसमें प्राइस टैग नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1000 के अंदर मिल जाता है। पहले ये 1500-1700 तक का मिलता था, लेकिन अभी ये 1000 के अंदर मिल जाता है। मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और ओके गाइस, तो देखते हैं। तो जैसे आप पैकेज खोलते हो तो आराम से तो सबसे पहले इसको हटाते हैं और सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है, तो इतने हैं सारे हैं कंटेंट्स बॉक्स के अंदर और इसके अंदर और कुछ नहीं, थोड़े बहुत पेपर वर्क्स और पेपर वर्क की जरूरत नहीं है हमें, हम साइड में रख सकते हैं इसको। और ये जो है आई थिंक ये कुछ है उनका कार्ड, वारंटी कार्ड शायद, और एक पाउच मिलने को देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है और ये देख सकते हो बोया का ही है और पहले छोटा सा आता था लेकिन अभी बड़ा वाला ही है। और ये मिलता है ऐसे ही, इसको बिल्कुल भी खाना नहीं है, आप फेंक देना इसको। तो फाइनली देखने को हमें मिल जाते हैं माइक और काफ़ी लंबा है इसका तार, आप देख सकते हो, तो इसको साइड में रखते हैं। और हमें ये देखने को मिला जो कि इसके अंदर होगा, आप देख सकते हो इसके अंदर फॉर्म होगा, और जैसे मैं इसको हटाता हूँ आप देख सकते हो इसके अंदर है क्लिप जो कि बहुत नेसेसरी है, और ये है फॉर्म जो कि माइक में लगाते हो, और ये है एक कनेक्टर जो आप DSLR में अटैच कर सकते हो, और ये है एक छोटा सा बैटरी जिसकी आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है शायद अगर बैटरी पहले से आया हो, क्योंकि बहुत दिन चल जाता है। और फिलहाल इतना ही हमें बॉक्स में देखने को मिलता है और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता बॉक्स में देखने को। पाउच जो है वो पाउच बहुत हाई क्वालिटी का है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिलहाल बहुत हाई क्वालिटी का है। तो साइड में रखते हैं और इसको कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा है आवाज़, और कंपेयर करके देखते हैं कि ईयरफोन से और माइक का कैसे अलग रहता है। जिसने जो आप नोटिस करना चाहिए, इधर आप देख सकते हो कि एक QR कोड है, आप इसको आराम से स्कैन कर सकते हो ताकि आप इस प्रोडक्ट का ओरिजिनलिटी आपको पता चले, ताकि आपको ठीक से जानकारी हो जाए कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, क्योंकि बहुत सारे फेक भी मार्केट में मिलते हैं। और इधर भी ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ताकि ये आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि आप मैं नहीं चाहता कि आप फ्रॉड में फंसे और आपको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है ये। ओके गाइस, सो आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो आवाज आ रही है यहाँ से आ रहा है एयरपोड्स प्रो से, सो आप सुन सकते हो शायद कि बाहर की आवाज भी कितना मतलब ये कर रहा है।
इंटेक कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि आप सुन सकते हो कि कैसे आवाज आ रहा है। और ये बहुत सारे वीडियोस में मैं ऐसे ही बनाता था और कभी कभी मैं ईयरफोन यूज करता था। तो अभी स्विच करके देखते हैं कि हम देखते हैं कैसे बोया M1 में आवाज आता है, कितना क्लियर आता है और नॉइस कैसे डिटेक्ट होके आता है। फिलहाल आप सुन सकते हो शायद बाहर के नॉइस भी आ रहा है और बहुत सारे नॉइस भी आ रहा है और इतना क्लियर भी वॉइस नहीं है मेरा। तो देखते हैं अभी स्विच करके देखते हैं कि कैसा आता है बोया M1 का आवाज। यस गाइस, अभी जो आप आवाज सुन रहे हो ये है इस माइक का जो कि है बोया M1 माइक। आप देख सकते हो कि मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, ये इसका जो वायर है बहुत लंबा है लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत शॉर्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पूरा टैंगल हो जाए। तो इसलिए आप ये जो आवाज सुन रहे हो ये है बोया M1 माइक से। इसको मैं फिट कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं बस अभी आपको दिखा रहा हूँ। माइक का क्लिप भी आता है जिसको आप इस शर्ट के अंदर से यहाँ लगा सकते हो और फिट करके आप बात कर सकते हो। तो आप नोटिस कर सकते हो कि कितना अच्छा नॉइस कैंसिलेशन है इसमें, क्योंकि ये जो है ये ओमनीडायरेक्शनल है, ये डायरेक्टली मतलब सामने से नहीं आता। क्योंकि अगर आप यहाँ भी यूज़ करो या फिर यहाँ भी यूज़ करो, यहाँ भी रखो या फिर ऊपर भी इसको आप हैंग कर सकते हो आप यूज़ करते समय, ताकि आप माइक ना दिखा सको। तो फिलहाल ये जो माइक है वो बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। आप देख सकते हो कि पहले के वीडियोस कैसे थे, पहले के वॉइस कैसे थे और यहाँ के कैसे। मैं अगर सच बताऊं तो एयरपॉड्स प्रो जो था उसमें भी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल लेवल का माइक यूज करना यूट्यूब वीडियोस के लिए वो अलग होता है, और एक नॉर्मल सा या फिर कोई भी एक हाई क्वालिटी ईयरफोन यूज करना एज ए माइक बहुत ही अलग होता है। सो फिलहाल अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और अगर वीडियो को जरूर लाइक करना, और इंस्टाग्राम में royboy.universe को आप जरूर फॉलो करना, क्योंकि आपका जो भी क्वेरीज होता है ना मैं वहाँ पे आप अगर मुझे DM करो तो मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में इतना रीच करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता। सो फिलहाल ये था गाइस वीडियो आज के लिए, और ये बोया M1 माइक जो है ये सबको लेना चाहिए। कोई भी यूट्यूबिंग अगर कर रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सबको ये माइक ज़रूर लेना चाहिए। और हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि अगर सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये बोया M1 माइक का चाहिए, तो फिलहाल अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि क्या वे करना चाहिए बोया M1 माइक का, क्योंकि बहुत लोगों को बोया M1 माइक की जरूरत रहती है, एक अच्छा माइक की जरूरत रहती है, लेकिन फिर भी वो लोग खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने फोन के माइक से काम चलाते हैं। तो फिलहाल प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर करना कि आपके राय क्या है, और फिलहाल आप मुझे ये भी बताना है कि क्या मुझे बोया M1 माइक का गिव अवे करना चाहिए या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।